सीआरपीएफ ने जम्मू व कश्मीर के डोडा जिला के 30 पसमानदा तुलबा के लिए भारत दर्शन टूर का एहतमाम किया। पहाड़ी डोडा जिला के दूर दराज इलाके में रहने वाले पसमानदा तुलबा को तनहू में हिंदुस्तान के इतिहाद के मुनफरिद खसूसियात को समझने का मौका फराहम करने के लिए 30 तुलबा के एक ग्रुप को भद्रवाह से भारत दर्शन टूर के लिए झंडी दिखाकर रवाना किया गया। मरकजी हुकूमत के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत इस दौरे को हरीश मेहरा सेकंड इन कमांड ने बतौर मेहमान खसूसी डॉक्टर अनीस अहमद डॉक्टर मोहम्मद अशरफ बीएमओ भद्रवा के साथ हरी झंडी दिखाई। हरीश मेहरा सेकंड इन कमांड 33वीं बटालियन सीआरपीएफ ने कहा कि सीआरपीएफ का मकसद न सिर्फ दूर दराज इलाकों के नौजवानों को इल्म से बाइख्तियार बनाना और अपने मुल्क के तई फख्र और जिम्मेदारी का एहसास पैदा करना है, बल्कि इन्हें ऐसा तजर्बा भी हासिल कराना है जिससे इन्हें अपनी जिंदगी में मकसद हासिल करने में फायदा हो सके। तुलबा ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने इन्हें अपने आबाई मकाम से बाहर दुनिया में जाने का मौका फराहम किया। सर, मेरा नाम सचिन सिंह है, मैं एचएस दशनान से हूँ और मुझे बहुत खुशी है, बहुत एक्साइटेड है। हम सब बच्चे जो अंदर बैठे हैं, इधर अभी तैयार हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं जाने के लिए। और इससे पहले फ़िलहाल हम गए नहीं कभी, और बहुत बहुत शुक्रिया सीआरपीएफ वालों का कि जिन्होंने हमें ये मौका दिया उधर जाने का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ मैं। और बच्चे तो फ़िलहाल बहुत एक्साइटेड है और मैं खुद भी बहुत एक्साइटेड हूँ। हम पहली बार दिल्ली में जा रहे हैं तो देखेंगे कैसा है, कैसे लोग हैं, कैसे वहाँ रहना सहना है। सर, मेरा नाम लखन सिंह है और मैं डोडा के भागवत ज़िले में रहता हूँ। आज हम पहले भारत दर्शन टूर पे जा रहे हैं दिल्ली। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं सीआरपी वालों का धन्यवाद करता हूँ और जिन्होंने ये टूर ऑर्गेनाइज़ किया उनका भी धन्यवाद करता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज दिल्ली में नई चीज़ें देखेंगे हम और नई चीज़ें सीखेंगे भी हम। ये जो हम भारत दर्शन करा रहे हैं, इसका बेसिक उद्देश्य तो ये है कि बच्चों का बौद्धिक ज्ञान बढ़े और सांस्कृतिक आदान प्रदान हो। बच्चे मतलब इस छोटे से शहर से निकल के दिल्ली जैसे बड़े शहर में जाएं और वहाँ की संस्कृति देखें। और ये जो है भारत सरकार के सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमें हमारे IGP जम्मू सेक्टर द्वारा अवसर प्रदान किया गया है 33 बटालियन को। और हमने यहाँ के जो बच्चे हैं, एजुकेशन ऑफिसर साहब की मदद से, डॉक्टर अनीस की मदद से, हमने यहाँ के कई स्कूलों के बच्चे जो मतलब आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों को ये अवसर प्रदान किया और 30 बच्चे कुल दिल्ली जाएंगे जहाँ के पर्यटन स्थल वगैरह हम दिखाएंगे। और इससे हमें पूरा विश्वास है कि बच्चों को ना केवल ये देखने समझने का अवसर मिलेगा कि दूसरे लोग कैसे रहते हैं, बल्कि संस्कृति देखेंगे और वहाँ के लोगों से मिलेंगे। और ये सब के लिए प्रोग्राम का आयोजन किया गया है।